जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर आने के बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ खास मोमेंट होते हुए आपको नहीं दिख रहा है। शेयर प्राइस सभी भी देखेंगे तो रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है। हालांकि यहाँ पे आपको 1% के आसपास जो गिरावट देखने को मिल रहा है, दरअसल ये एक आध दिन की तेजी या गिरावट से आपको घबराना नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको ये देखना है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है अभी इसका डायरेक्शन क्या है। तो मैं आगे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि अभी इस स्टॉक का जो डायरेक्शन देखेंगे तो पहले एक तरह जैसे रिजल्ट आने से पहले भी जैसे एक रेंज बाउंड में स्टॉक का प्राइस घूम रहा था, तो अभी भी स्टॉक का प्राइस उसी रेंज बाउंड में घूम रहा है। मेन सवाल ये है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस चूंकि रिजल्ट ठीक ठाक ही आए हैं तो उसके बाद अब इस को चूंकि कंसोलिडेशन रेंज में है तो इस रेंज आउट से ब्रेकआउट कब करेगा, ताकि जो लोग काफी समय से इसमें पैसा लगा के इस स्टॉक के प्राइस में तेजी आने का वेट कर रहे हैं उनको ठीक ठाक मुनाफा हो सके। और चूंकि कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड में फंसा हुआ है तो जो नए लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी तो काफी बढ़िया है, बहुत से निवेशक सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री लेके ठीक ठाक पैसा कमाना जानते हैं, और जो कि सबसे सिक्योर और बहुत कम समय पैसा कमाने का मेथड होता है एकदम ब्रेकआउट पे एंट्री लेना, तो ब्रेकआउट का जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि स्टॉक का जो प्राइस है इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। तो इस पर हम लोग बहस करेंगे आज इस वीडियो में। और दूसरी बात आपको बताऊंगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अभी जो कल के डेट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या बातें निकलकर सामने आई है, क्या ये आपके लिए रिलेवेंट है जानना या नहीं, सारी चीजों पर डिटेल में आज बात करेंगे। पहले तो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे इस कंपनी का डिटेल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक अभी इस समय स्टेज वन में है। हालांकि स्टेज वन और स्टेज टू में होना और ना होना बात बराबर ही है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि ईएसएम की कैटेगरी में है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट तो जाता ही है। जैसे जैसे मैंने बताया कि स्टॉक का प्राइस अभी कंसोलिडेशन रेंज में है, जैसे इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलेगा स्टॉक का प्राइस तो उसके बाद ईएसएम स्टेज से भी ये स्टॉक बाहर आते हुए दिखेगा। मेन चीज ये है कि नोटिफिकेशन में दिखे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ है 3 सितंबर गेट में, उसका क्या आउटकम निकलकर सामने आया है, चलिए एक नजर हम लोग उस पर डाल लेते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूं कि जैसे मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि इस बार जो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आए हैं इसमें कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लास्ट जो कॉर्पोरेट एक्शन इस स्टॉक में होते हुए देखे थे नवंबर 2023 में होता है, स्टॉक का स्प्लिट हुआ था। हालांकि इस साल के लास्ट तक आपको एक कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा अनुमान है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 3 सितंबर के डेट में जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी बता देता हूँ ये मीटिंग किस लिए हुआ था और क्या बातें निकलकर सामने आई। दरअसल किसी भी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 8 लोग शामिल होते हैं, तो इसी में से 8 में से 3 लोगों को रिटायरमेंट होने वाला था, तो उनमें से 3 लोगों को जो रिटायर होने वाले थे उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट किया गया। हालांकि मेरा मानना है कि बजाय जो रिटायर हो रहे हैं उनको रीअपॉइंटमेंट करने के, कोई नए व्यक्ति को जो काबिल हो, जो लॉन्ग टर्म का जो विजन रखता हो, जिसके शार्प माइंड हो, जो आगे कंपनी को ले जाने के लिए सोच सकता हो, उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या है कि पैसे बचाने के लिए और रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन लोगों ने 3 व्यक्ति को फिर से रीअपॉइंटमेंट कर लिया। पहला नाम है मिस्टर दीपक माने, दूसरा नाम है मिस्टर श्री कृष्णा और तीसरा नाम है मिस्टर संजय देवलकर। तो 3 लोगों का रीअपॉइंटमेंट हुआ है और इसी चीज को जानकारी देने के लिए, सेबी को जानकारी देने के लिए, एक्सचेंजेस को जानकारी देने के लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एनुअल जनरल, हालांकि एनुअल जनरल मीटिंग था ये तो होना ही था, लेकिन इस मीटिंग में उम्मीद थी कि कुछ कंपनी को ग्रो करने से रिलेटेड बातें निकलकर सामने आएंगी, वैसे कुछ बातें निकलकर सामने आई। मोटा मोटी जो बात निकलकर सामने आई है वही है कि इसमें रीअपॉइंटमेंट किया गया है इन लोगों का, ये बात बस बताया गया। हालांकि और भी कुछ कंपनी से रिलेटेड अंतर बात हुई होंगी जो इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया, जो डिस्क्लोज किया गया मैं वो बात यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के चार्ट पैटर्न की। देखिए हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि अच्छी चीज और सुकून देने वाली चीज ये है, हम कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस जितना लंबा समय बिताता है इस फेज में, जब इससे बाहर निकलता है तो उतना ही बड़ी ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्राइस 1 साल तक रेंज बाउंड में घूमते रहा, तो जब 1 साल बाद इसके इसमें से बाहर निकलेगा ना, हम सभी जानते हैं कि निकलेगा तो प्राइस जाएगा ऊपर ही, ब्रेकआउट ही होगा ना कि ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकआउट जब होगा तो ये जो प्रीवियस हाई होते हैं कंपनी के उसके डबल कम से कम ऊपर जाने का ये दमखम रखता है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें, इस कंपनी का अभी तक शेयर प्राइस सबसे अपने ऑल टाइम हाई पे गया है, 12 रुपये के आसपास गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 रुपये चला ही जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस हाई रहा जैसे यहाँ पे
3 साल का मैंने चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। 3 साल के चार्ट में देखेंगे तो तकरीबन 1 रुपए 80 पैसे के आसपास का प्रीवियस हाई है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको इसके ऊपर कम से कम डबल यानी कि कम से कम 3-4 रुपए तक शेयर प्राइस जाते हुए दिख सकता है। बस वेट करना है इस रेंज बाउंड से बाहर निकलने के लिए। ये बात तो एकदम तय है कि निकलेगा तो इससे ऊपर ही जाएगा, और यह भी तय है कि रेंज बाउंड से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो बस आपको वेट करना है, और जैसे रेंज बाउंड से बाहर निकले यहाँ पे आप एंट्री ले लेंगे। जो नए व्यक्ति अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिएगा। ब्रेकआउट पे एंट्री काफी कमाल की होती है, काफी कम समय में बढ़िया रिटर्न बन जाता है। बाकी अगर इस कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वह भी ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा हो या कुछ अलग से आप जानना चाहते हैं तो स्टॉक के बारे में तो मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़कर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।